हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान सा नाश्ता जो कि घर पर पड़ी हुई चीजों से आसानी से बन जाता है। इसके लिए आपको जो भी चीज सामान चाहिए वो घर पर आम होता है। तो इसके लिए हमने एक कटोरी सूजी ली है, एक कटोरी दही, आधा किलो उबले हुए आलू। आलू को ठंडा कर लें, गर्म नहीं होने चाहिए। और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, सूखा हुआ पुदीना पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स थोड़े से और तेल। बड़ा बाउल लेंगे, उसमें सूजी डाल देंगे और इसमें हमने दही डालना है और इसको दही में मिक्स करना है। पहले 2 चम्मच दही डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको ज्यादा पतला नहीं करना है हमने, गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है, जैसे आटे का डो होता है इसी तरह से इसको रखेंगे। 1 चम्मच दही और डालेंगे, इस तरह से मिक्स करते जाएं दही डाल के। 1 चम्मच और डाल देंगे और मिक्स करके इसको हमने 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है। सूजी के बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये इस तरह आटे के डो की तरह टाइट होना चाहिए। अब हमने आलू कद्दूकस कर लिया, आधा किलो आलू लिए थे तो हमें थोड़े ज्यादा लगे, इसलिए 4 आलू हमने छोड़ दिए हैं। अब इसमें हमने पुदीने का पाउडर डाल देना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच स्वाद अनुसार, और चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह, हाथ से मिक्स करें। ये आलू को मिक्स करके हमने सूजी के बैटर में डाल देना है और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है सूजी के साथ, अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, एकदम डो बनाना है। आलू के साथ हमने इसका डो बना लिया है, एकदम टाइट टाइट डो होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा तेल लेंगे, थोड़ा सा इस पे डाल देंगे और थोड़ा सा हाथ में लेंगे और थोड़ा इसमें स्प्रेड कर देंगे चकले पे। अब हमने इसके रोल बनाने हैं, इस तरह से इसके पतले पतले थोड़े मोटे से रोल बना लेंगे हम। इस तरह से इतने इतने हमने रोल बना लेने हैं सारे इसके। ये सारे रोल बना लिए हैं। अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबल स्पून है, इसको बाउल में डाल देंगे और इसमें पानी डालेंगे और इसका हमने घोल बनाना है। इस तरह से पतला घोल बना लें इसका। अब इस घोल में इन रोल को डिप करना है हमने और डिप करके निकाल लेना है और इसको हमने आधे घंटे तक फ्रीजर में रखना है। रोल को फ्रीजर में हमने 20 मिनट तक रखा है। अब इसके हम छोटे छोटे पीस करेंगे। ये बहुत ही अच्छे पार्टी के भी स्नैक्स हैं। आप टी पार्टी शाम के टाइम टी पार्टी में बना सकते हो, टी टाइम स्नैक्स, या बच्चों के बर्थडे पार्टी में बना सकते हो। इस तरह से इसको हल्का हल्का इस तरह से दोनों तरफ से प्रेस कर दें। इस तरह से सारे पीस हमने काट लेने हैं इसके। अब गैस पर पैन रखा, उसमें तेल रखा हमने, तेल गर्म हो गया। अब इसमें इसको हमने फ्राई करना है, अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे हम। इस तरह से पलट पलट के ब्राउन कलर आ जाए इसमें और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। इनको इस तरह से अच्छी तरह क्रिस्पी होने तक हमने फ्राई करना है। अब ये हो चुके हैं तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप इनको बना के फ्रीजर में रख सकते हो एयर टाइट डिब्बे में, 3 से 4 दिन तक खराब नहीं होते। जब कोई मेहमान आए या कोई बच्चों के लिए बनाना हो तो फटाफट आप फ्राई कर सकते हो, पहले से बना के रख लें। इस तरह से इनको निकाल लें, इसी तरह सारे हमने फ्राई कर लेने। तो लीजिए, हमारे गर्मा गर्म पार्टी स्नैक्स तैयार हैं, फटाफट बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं करारे। तो इसको आप चटनी के साथ खाएं या सॉस के साथ खाएं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।